जितने जल्दी जितनी बच्चे एनरोल हो जाएंगे क्योंकि हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम पाँच हजार बच्चों को एनरोल कर ले तो भैया पाँच हजार बच्चे को एनरोल करने से कुछ नहीं होता उसको फिर हमें अगर हाथी हमने पाला है तो उसको खिलाना भी पड़ेगा ऐसा तो थोड़ी हाथी खरीद लिया और उसको रख लेंगे तो पांच हजार बच्चों के डाउट होंगे तो हम इतने ही बैच में बच्चे रखेंगे इतने ही बैच में बच्चे रखेंगे जिनके हम डाउट को अच्छे से सॉल्व कर पाए चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस बैच के साथ और यूट्यूब पे सारी वीडियो आएंगी सारी लेकिन थोड़ा वो उसका टाइम टेबल नहीं बन पाता जैसे डल रहा है वैसे डलता रहे एवरी एवरीवन है। कैसे हैं आप मैं अनुज कुमार सिंह शिक्षा धाम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक जो बच्चे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे थे या फिर वो पढ़ना चाह रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे सर ये कौन सी बात हुई पढ़ना चाह रहे थे लेकिन क्योंकि उनका बैक ना कोविड में क्योंकि आपने क्लास कुछ चीजें थी जिसके वजह से आपका बेसिक बेसिक जो आपका बेस होता है वो स्ट्रांग नहीं हो पाया था तो दिक्कतें सामना करना पड़ रहा था उसी के अकॉर्डिंग हमने एकदम बिल्कुल एक न्यू फ्रेश बैच लॉन्च कर दिया है जिसको मैंने बोला है इकोनॉमिक बेसिस आधार बैच मान के चलो टू दूसरा बैच है फर्स्ट बैच के अंदर बच्चों का एक ही था कि सर हमारा कितना सिलेबस हो गया नहीं हो गया उसके अकॉर्डिंगली वो परेशान हो रहे थे सर हम कैसे करेंगे तो इस बैच का सबसे मेन खासियत है कि कुछ लेक्चर्स आपको कैसे कैसे करेंगे हम सारी चीजें देख लेते हैं फिर हम बात करेंगे तो सर इस बैच के अंदर बेसिकली कुछ ये यूनिट हमारे हैं जो कि बने हुए हैं जैसे आपका यूनिट नंबर वन देखा जाए तो यूनिट नंबर वन है ये इसके बाद यूनिट नंबर टू है यूनिट नंबर थ्री है यूनिट नंबर फोर है और एक यूनिट नंबर फाइव है और ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से होगा क्योंकि कॉस्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट आई हुई है तो उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है ठीक है तो चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग ओवरव्यू कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन पहला इसकी बात करें तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर इसे मैं बेसिकली बोलूंगा कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट ये आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है रिकॉर्डेड मिलेगा ये ठीक है ना आप सुनते जाइएगा इसके बाद बात करते हैं मटेरियल लेबर ये वाले सारा आपका लाइव होगा बिल्कुल लाइव होगा इसके बाद है ओवरहेड, ये भी आपका लाइव लूंगा मैं यानी सर आप ज्वाइन करेंगे और आपको सारी चीजें मिलेंगी उसके अंदर इसके अंदर आपका यूनिट नंबर फोर ये भी आपका लाइव होगा बस एक मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जिम्मेदारी आपको दे दूंगा इसमें क्या क्या आप करेंगे रिकॉर्डेड इसके बाद सर और ये भी आपका होने होने वाला है? लाइव होने वाला है है लाइव चाहे तो आप सेल्फ कर सकते हो नहीं तो लाइव लेके कर लेंगे यानी सर अल्टीमेटली देखा जाए तो सिर्फ एक चैप्टर ऐसे करना है बाकी सारा चैप्टर लाइव होगा बिल्कुल लाइव होने वाला है इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो मैंने बताया इस बैच के अंदर हम कैसे पढ़ने वाले हैं क्योंकि ना देखो सिलेबस जैसे पढ़ते हो आपने मैथ्स भी पढ़ा हुआ है अपने ट्वेल्थ में भी अकाउंट्स पढ़ा है इलेवेंथ में तो कुछ चैप्टर का नेचर ही ऐसा होता है जैसे एनपीओ आप पढ़ा, आपने पढ़ा है या फिर जो भी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो नेचर ऐसा होता है कि भाई वो मुश्किल ही होता है उसे आप फिर भागते हो तो मैं इस बार और कुछ चैप्टर ऐसा होता है जिसे आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने कॉर्पोरेट में भी ऐसे किया और कॉस्ट में भी उन चैप्टर को पहले मैं आपको करवा रहा हूँ जो स्कोरिंग ज्यादा है और आप इजीली समझ पाओगे यानी ये बैच एग्जाम ओरिएंटेड बैच है जिसके अंदर आपके एग्जाम को टारगेट करने वाले हम क्योंकि देखो इतना टाइम हो गया हमारे पास मार्च और अप्रैल बचा। एग्जाम को टारगेट करेंगे सर एग्जाम को टारगेट करने से मतलब उन चैप्टर को हम लाइव में उन चैप्टर को पहले इतने अच्छे से करा देंगे जो कि आसान है और ज्यादा नंबर का है ये टारगेट रहेगा जैसे कि इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो प्रोसेस अकाउंटिंग से आना तय है प्रोसेस अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन आना आपका तय है तो पहले हम प्रोसेस अकाउंटिंग कर लेंगे नंबर वन ठीक है ना समझ रहे हो तो वैसे मैंने बताया कि इसमें से आना और आसान भी है लेकिन हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना वो मैं बता दूं मैं पहला चैप्टर आपका लेबर करूंगा स्टार्ट पंद्रह नंबर का भाई साहब क्वेश्चन फिक्स आएगा और इतना आसान चैप्टर है कि आप भी करोगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप बोलोगे कि सर इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं कर पाएंगे कर लोगे तो पंद्रह फिक्स हो जाएगा सर कितना समय लगेगा इस चैप्टर को करने में मुश्किल से मुश्किल आपके पांच क्लास सर आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी क्लासेस मैं आप सभी के लिए रखूंगा एमडब्ल्यू एफ और क्लास का टाइम थोड़ा इंक्रीज करने वाला हूं सर इंक्रीज करने से मतलब सर क्लास का टाइम रहेगा आपका सात बजे से लेकर नौ बजे तक आराम से आप सभी काम करके आए और आराम से खा पी के बैठें और फिर हम पढ़ाई करेंगे तसल्ली से काम होगा ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी करा ये हुआ वो हुआ ऐसा नहीं करने एकदम तसल्ली से काम करने वाले सर एमडब्ल्यू एफ सर इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद हम जैसे कि मैंने कहा प्रोसेस कर लेंगे सर प्रोसेस के बाद क्या कराओगे आसान चैप्टर प्रोसेस के बाद आसान चैप्टर लेबर है लेबर कर लेंगे तो वो स्ट्रेटेजी बनता जाएगा तो मैं अगर पहले बता दूं क्लियर कर लूं कुछ चैप्टर आपको रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड कौन सा देखना है पहले वाला जो है एक तो थ्योरी का यूनिट है और थ्योरी तो अभी कराए नहीं थ्योरी भी लाइव ही कराऊंगा मैं रिकॉर्डेड में कॉस्ट शीट आपको रिकॉर्डेड देखना है कॉन्ट्रैक्ट आपको रिकॉर्डेड देखना है रिकंसुलेशन आपको रिकॉर्डेड देखना है सर ये चैप्टर रिकॉर्डेड क्यों देखेंगे कि कॉस्ट शीट और रिकंसुलेशन एक जैसा ही चैप्टर है तो ये रिकॉर्डेड देखोगे और कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो सिंपल है बिल्कुल मैं प्रोसेस कराऊंगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मत देखना बेशक वो मैं समझ लूंगा कैसे करेंगे ठीक है ना तो दो चैप्टर आपको देखना है रिकॉर्डेड जितने आप इन दो चैप्टरों को खत्म करोगे हम इस वाले चैप्टर को खत्म कर चुके रिलेटेड यूनिट को हम पकड़ेंगे जो कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर में कर लिए हैं क्योंकि आप जब मेरे पास इस बैच को ज्वाइन करते हो आप जब आते हो पढ़ने के लिए इस नए ग्रुप के अंदर तो उस सिचुएशन में आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अब इस बैच को ज्वाइन कराए चलो अच्छा है कि लेट बैच स्टार्ट हुआ लेकिन हम इसको पढ़ के और दो महीने के अंदर जो हमारे पास मार्च अप्रैल है सिलेबस खत्म हो जाएगा उसी के बेसिस पे ये सारा काम चल रहा है ठीक है अब कुछ बच्चों ने पहले भी ज्वाइन किया होगा मे बी तो वो भी टेंशन मत ले उनके लिए भी बहुत अच्छा काम हो रहा है हाँ अब सर रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए मैं उन बच्चों को जो डर है मन में एक सर रिकॉर्डेड लेक्चर में एक सबसे बड़ा डर होता है कि सर डाउट इसके डाउट के लिए अलग से प्रोविजन लेके आएंगे अलग से टाइम देंगे और अलग से टाइम पे आप कर लोगे इसके डाउट को सारा शॉर्ट आउट जो टीचर से मैं खुद जो मेरा अवेलेबल टाइम होगा टी टी एस एमडब्ल्यू एफ में वो आपको आवर दे देंगे और आप जी भर के डाउट पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड लाइव वाले में तो आप अनलिमिटेड पूछते ही वो डाउट आपको दो एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जाएगा दो एप्लीकेशन मतलब दो जगह साइमल्टेनियसली कोशिश कर रहे हैं कि आपको दें जिससे कि आपका बेनिफिट हो पाए कि आपको देखने में सर्वर में दिक्कत ना हो लो इंटरनेट पे भी आप कोर्सेज को देख पाओ बाकी सर क्या यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएगी यूट्यूब पे सारी वीडियो आएगी जिस तरीके से डल रहा है रेगुलर बैच का मैं डे बाय डे डाल रहा हूं उसी तरीके से चलते रहेगा सर फिर हम आपको क्यों ज्वाइन करें देखो ज्वाइन मैं हर बच्चे को नहीं करता जो बच्चे परेशान है स्ट्रेस है इसलिए इसे इकोनॉमिक बैच में कह रहा हूं टू सेकेंड बैच जो मात्र पांच सौ रुपए का पूरा ये costing का सिलेबस होगा टिल एग्जाम तक तो आपका एग्जाम मान के चलता हूं कि मैं जून में होगा तो तीन महीने मान लीजिए तो रिचार्ज से भी सस्ता पड़ता है आपको बाकी सस्ता और महंगे में देखो मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि भाई पैसे हर किसी के अपने इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी के लिए रुपया भी बहुत बड़ी बात है और किसी के लिए करोड़ भी बहुत कम बात है तो हम तो उनसे में उनमें से हैं जिनके लिए एक रुपया भी बहुत बड़ी बात मायने रखती है तो उसी के हिसाब से मेरा सपना है कि मैं आप सभी को जो है ना ट्वेंटी पूरा पूरा कोर्स कराऊ ट्वेंटी नाइन रुपीज में ट्वेंटी नाइन या फोर्टी नाइन या नाइन्टी इतने में कराऊ ट्वेल्थ और इलेवंथ को तो मैंने लॉन्च भी कर दिया है कि इस बार जो पढ़ाऊंगा ना मैं उनतीस रुपये में पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पे पूरा पढ़ाने वाला हूँ मैं उनको बच्चों को तो चलो इस बार तो हमने सोच लिया तैयारी कर ली और आपके लिए भी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे हम तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जितना देखो जो रिसोर्सिस है उसके हिसाब से अब कुछ बच्चों के डाउट हो सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं डाल रहे पुरानी वीडियो तो पुरानी वीडियो ना सारी की सारी हटा दी गई है कॉपी की वजह से अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है नई वीडियो में नई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ठीक है ना तो इसलिए हटा दी गई है अब सर नोट्स वगैरह बता दो क्या करना है तो इसके लिए आपको टेन ईयर बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा इसका होली के बाद तो सिर्फ आप ईयर खरीद लेते हैं ना इसके लिए सिर्फ टेन ईयर जैसे लॉन्च हो जाएगा बाकी मैं क्लास नोट्स पूरे दूंगा पीडीएफ बुक नहीं खरीदने की आवश्यकता है सिर्फ आप टेन ईयर खरीद लोगे जो सौ एक सौ दस रुपए में आएगी आपकी हार्डली आपके नियर बाय अवेलेबल हो जाएगा जिसको नहीं उसके घर पे डिलीवरी करा दिया जाएगा शिवदास का टेन ईयर होगा उससे हम करेंगे उसके अंदर सारे नोट्स को मैं अप टू डेट कर रहा हूँ चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो चाहे बच्चा ऑनर्स का हो तो स्टडी मटेरियल तो हम ये फॉलो करेंगे सर टेन ईयर का मतलब उसमें पास्ट ईयर के भी क्वेश्चन डाले और मैंने अपने क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं पहले ही बस उसमें अभी बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सारी टाइपिंग होती है फिर प्रूफिंग होती है प्रूफिंग मतलब पढ़ना पड़ता है फिर उसके बाद दोबारा चेकिंग होता है ताकि स्पेलिंग वगैरह की कहीं एरर वगैरह ना रह जाए आप परेशान ना हो आंसर विद आंसर आएगा वो ठीक है ना तो उसके आंसर आपको वहां से तो मिल ही रहा है सोल्यूशन और बाकी मैं यहाँ भी वीडियो के फॉर्मेट में आपको कराऊंगा तो बस उम्मीद करता हूं आपको सारे डाउट खत्म हो गए होंगे सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे और उन बच्चों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जो बच्चे परेशान थे तो ज्वाइन करिए चाहे बच्चा जॉब कर रहा है कॉलेज कर रहा है रेगुलर है कॉरेस्पॉन्डेंट है एसओएल है किसी भी यूनिवर्सिटी का है कॉस्ट का पूरा सिलेबस यही रहने वाला है उनके लिए तो इसी तरीके से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि होली तक हमने कोशिश किया है सर्वर देखिए जितने जल्द डलता रहेगा जिनको सिस्टमेटिक लाइव में ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी तरीके से किसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट सिलेबस जो कि बिजनेस मैथ्स का है वो बिजनेस मैथ्स वाले सर आपको बता देंगे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं हम आपके साथ हैं जो भी दिक्कत आती है डट के मुकाबला करेंगे इतने दो महीने खराब कर दिए जनवरी फरवरी दो महीने खराब गए टेंशन की बात नहीं है मैं हूं अभी बात मान लो तो अभी से आगे रास्ता आसान हो जाएगा लेकिन आप अप्रैल में बोलोगे ना एंड में के सर दस दिन बाद पेपर है तो फिर मैं भी हाथ जोड़ लूंगा कि भैया कैसे करें उस चीजों को तो चलिए सर थैंक यू सो मच आप सभी का जो पच्चीस हजार आपने सब्सक्राइबर बेस भी दिया और आप सभी ने जुड़ा बहुत बहुत थैंक यू सो मच